पैसा खींचता है आपकी ओर, ये वाला जो क्रिस्टल है। अगर आपको वास्तु ही फेंगशुई में इंटरेस्ट है, अगर आप इसे मानते हो मेरे जैसे, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पायराइट ने मेरी ज़िंदगी बदली। मैं आपको बहुत विस्तार में इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। मैं तो पायराइट में इतना ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं तो हर जगह पायराइट पायराइट, मेरे घर पे इतने सारे बड़े बड़े पायराइट्स के पत्थर हैं, बिकॉज मेरी ज़िंदगी में लिटरली आई थिंक इट्स चेंज्ड अ लॉट। मैंने जिस जिसको पायराइट जब भी दिया है, लिटरली 7, 8, 10 दिनों में जब उनकी ज़िंदगी में हल्के हल्के बदलाव आने लग जाते हैं, उनके ब्लॉकेजेस जाते हैं, पीपल टेल मी अबाउट हाउ इनक्रेडिबल इट इज़, आई फील सो गुड। ऑलराइट, नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। वास्तु, फेंग शुई, चक्र हीलिंग, रेकी, इन सब में मुझे हमेशा इंटरेस्ट है। रेकी के मैंने कोर्सेज किए हैं, आई गॉट सर्टिफाइड। वास्तु को मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्रिस्टल हीलिंग में मैं जब गया था, आई रियलाइज मेरा सबसे पहला क्रिस्टल जो था एमेथिस्ट था, विच ब्रॉट सम चेंजेस इन माई लाइफ। बट जब पाइराइट मेरी ज़िंदगी में आया, इट एक्सप्लोडेड। ओके, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, आप पाइराइट ले तो लोगे, पर उसको कहाँ रखना है, कैसे यूज़ करना है, एंड वॉट इट रियली डू फॉर यू। ओके, पहली बात तो आई वॉन्ट टू शो यू ऑल माई पाइराइट्स। जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज, दिस इज द बिग पायराइट आई हैव। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे पायराइट्स हैं घर में, पूरे पूरे जगह पे ना पायराइट ही पायराइट भरा हुआ है। पायराइट में मेरा बिलीफ एक्चुअली एकदम तब हुआ व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट पायराइट क्रिस्टल। ये था मेरा बड़ा वाला पायराइट क्रिस्टल। ओके, एंड आई गॉट इट, और आई डोंट नो वाई, जब पायराइट आप पाते हैं, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू फर्स्ट गेट योर पायराइट। और मैंने जो कहा पहले दिन, आई थिंक दैट स्टार्टेड माई जर्नी जो इनक्रेडिबल रही है मेरे लिए। पहली बात तो आई वॉन्ट टेल यू पायराइट होता है क्या। क्रिस्टल हीलिंग में पायराइट बेसिकली इसको कहा जाता है फूल्स गोल्ड, बहुत ही जगमगा। इट्स दिस इज़ अ कम्प्लीटली नेचुरल क्रिस्टल, लाइक नेचुरल मतलब एब्सोल्युटली नेचुरल। अब ये अलग बात है जब मैं इसके बीड्स बनाता हूँ, ऐसे जब इसको बनाते हैं, ये यू नो दिस लुक्स लाइक दैट, राइट। ये ऑब्वियसली पॉलिश पायराइट है, कट पायराइट, पर इसका जो सबसे नेचुरल फॉर्म होता है वो तो ऑब्वियसली ऐसा होता है, राइट। अब पायराइट में ऐसा माना जाता है आपके जितने आपको क्रिस्टल्स दिख रहे होंगे अलग अलग, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी भले ही क्रिस्टल्स का साइज छोटा है, बस इसमें जो जगमगाहट है बहुत ही इनक्रेडिबल है। द फर्स्ट डे आई गॉट पायराइट, पहली बात तो आपको जब पायराइट मिलेगा, आप सबसे पहले उसको स्मज करना है। तो अगर आप पायराइट के, मैंने ये जो रिंग्स बनाई थी, मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि ये पॉलिश जब करते हैं कहीं ना कहीं इसका जो नेचुरल एलिमेंट है वो हट जाता है, राइट। बट दिस इज ग्रेट टू वेयर। पर मैंने जब रिंग्स बनाई थी, मैंने बेसिकली ये पूरा का पूरा स्टोन ही ऐसे रिंग में डाल दिया, जैसे कि आपको सबसे नेचुरल लुकिंग पायराइट मिल पाए। ये एडजस्टेबल रिंग्स हैं, तो एनीवन कैन रियली वेयर इट। सबसे पहले आपको जब कोई भी रिंग मिलती है, कोई भी क्रिस्टल मिलता है, आप उसको स्मजिंग करते हो। क्यों? बिकॉज फिलहाल आप जब क्रिस्टल लेते हो, वो मेरा क्रिस्टल है, या मेरे यू नो जब स्टड मफिन से आप उसको लेते हो, उसमें बाकी एनर्जीज हैं, तो आप उसको अपना करोगे। तो सबसे पहले आपका जो भी पायराइट आता है, जो मैंने भी लिया था, उसको स्मजिंग करते हो। तो आप एक ग्लास में आपने थोड़ा सा हल्का सा नमक नमक डाल दिया, नमक के पानी में आपने क्रिस्टल को छोड़ दिया 15-20 मिनट के लिए, फिर निकाल दिया, उसकी क्लेंजिंग हो गई। उसके बाद आपने पायराइट को वैसे पकड़ोगे, जो मैंने किया था, जो मैंने लिए बहुत काम किया। आई रिमेंबर होल्डिंग द पायराइट, तो क्यों मेरे दिल से एकदम आवाज़ निकली, ऐसे मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक नंबर सोचा था कि हमारी कंपनी इतनी ग्रो करे और हम इतने पैसे बनाने लगे, और वो नंबर मैं हर 3 महीने में आप अपडेट कर देता हूँ हर नए पायराइट के साथ। पर आई डोंट नो हाउ, ऐसे अंदर से मेरी आवाज़ हुई कि मैं इतने सारे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहता हूँ। मैंने मेरे कहने का मतलब है, मैंने कुछ रफली ऐसा बोलती कि मैं ऐसे चाहता हूँ कि मेरी वजह से 100 लोगों का घर चले। आई थिंक द यूनिवर्स वॉज ऑब्वियसली लिसनिंग समवेयर। आई थिंक मैंने जब ऐसा बोला, उसका भी अल्टीरियर मोटिव है, अगर मैं 100 लोगों को पेमेंट दे रहा हूँ और 100 लोगों को ऐसी आमदनी और सैलरी दे रहा हूँ कि उनके घर चले, मतलब मेरे पास ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पैसा खुद भी होना चाहिए, राइट। आई रिमेंबर जब मैं चैंटिंग करता था नम्यो रेंगे क्यों, नम्यो रेंगे क्यों की फिलोसफी भी ये थी कि भाई अगर आप दुनिया में एक चेंज करना चाहते हैं, पहले आपको खुद ठीक होना है। जैसे नहीं होता तो फ्लाइट में आप जाते हैं, बोलते हो अपना मास्क पहले लगा दो, फिर दूसरे की हेल्प करो। तो अगर आपके पास पैसा है, इफ़ यू आर रिच योर सेल्फ, यू कैन हेल्प अदर पीपल। सो आई थिंक मेरे लिए पायराइट काम किया, बिकॉज वो मेरे जो दिल से इंस्टेंटली आवाज़ निकली थी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प अदर पीपल, और आई वॉन्ट मेक श्योर अदर पीपल ऑल्सो मेक मनी विद मी, वो काम कर गया। तो आपके पास जो पायराइट है, पहले तो आप उसको स्मज कर दोगे, उसके बाद आप अपने पायराइट के साथ, आपने अंगूठी ली है, ब्रेसलेट लिया है, यू नो नेकलेस लिया है, वट एवर काइंड ऑफ पायराइट यू बाय। हमारे पास जियोड के पेंडेंट्स भी हैं, मुझे ऐसे टाइप का पायराइट सबसे अच्छा लगता है जो नेचुरल हो। ओके, ये तो लैबराडोराइट है, दूसरा क्रिस्टल है। सिट विद इट एंड सॉर्ट ऑफ एक अपने पायराइट को एक KRA बोलते हैं। KRA मतलब की रिजल्ट एरिया, बिजनेस टर्म है। अपने पायराइट को ऑब्वियसली आप एक टास्क दे दो कि भाई मुझे ना हर महीने इतने पैसे चाहिए, या आई वॉन्ट टू डू दिस, एंड आई थिंक दैट वर्क्स इनक्रेडिबली वेल। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला पायराइट जब सबसे पहले मेरे हाथ में आया था, उससे मैं सिर्फ मैं एक चीज़ ऑब्सेस था कि मेरे को मुंबई में एक नया घर लेना है। मेरे ऑलरेडी 2 घर हैं यहाँ पर, बट वो जो नया वाला घर जाकर मैंने प्रॉपर्टी देखी, वो वाला घर जो मेरे को चाहिए था, वो 14 करोड़ का घर है, 4 लेवल्स के घर हैं, 14 रोज इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एंड आई रिमेंबर सिटिंग, मैंने रिंग तब बनाई थी बिकॉज
अब ये बड़े पीसेस पायराइट के मैं लेके तो घूम नहीं सकता, राइट, बट समवेयर आई वांटेड द रिंग, बिकॉज यू नो ऐसे नहीं होता, आप सोचते चलते फिरते वैसे तो मैं पायराइट को देखता था, मेरा जो गोल है दिमाग में उसको मैं याद रखता था कि यार मैंने ये सोच के इस पायराइट को पहना है, मेहनत आपकी है, एंड आई हैव ऑलवेज सेड दैट अबाउट क्रिस्टल्स, आपकी मेहनत है, बट आई थिंक ये आपको एक डायरेक्शन देता है और आपके गोल को भूलने नहीं देता। तो मैंने जब रिंग से एसोसिएट एक नंबर कर दिया कि मुझे इस रिंग के साथ ऐसा एक नंबर चाहिए, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट। अच्छा पायराइट आप अगर आप यूज़ करें इसको दो जगह, अगर आप तो आपको ऐसा बड़ा पीस पायराइट का मिले जो बहुत मुश्किल होता है, एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होता है, जैसे ये वाला पीस पायराइट का कुछ 8 या 9 हज़ार रुपये का होगा, ये वाला पायराइट का पीस शायद 3-4 हज़ार रुपये का होगा, ये वाला पायराइट का पीस कुछ 2,500 रुपये का होगा। सो पायराइट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यू नो दैट्स व्हाई व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग पायराइट आई वांटेड टू मेक श्योर कि थोड़ा अफोर्डेबल भी हो, जिससे आपका छोटा पीस जो पायराइट है आपका, एंड आपको इतने सारे कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आई लाइक पायराइट ओके, पर आपके पास छोटा सा पीस भी है पायराइट का, दैट विल वर्क मैजिक फॉर यू। आई वांट टेल यू आप कहाँ रख सकते हैं इसको, तो इफ़ यू गेट द पायराइट अगर आप पहन रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपके घर पे, जैसे मेरे जो पायराइट्स हैं अलग अलग घर के, ये जो मेरा सबसे बड़ा पायराइट है मेरे घर का जो नॉर्थ कॉर्नर है मैंने उस पर रखा हुआ है, तो मेरे पास एक मनी बोल है, मनी बोल के मैंने काफ़ी वीडियोज़ अलग से बनाए, मनी बोल में ये वाला छोटा पायराइट रहता है, वो मनी बोल भी नॉर्थ कॉर्नर के घर पे, पर ये वाला पायलट ये वाला पायराइट आइसोलेशन में नॉर्थ कॉर्नर में रहता है। तो या तो आप अपने घर के नॉर्थ कॉर्नर में पायराइट को रख सकते हैं, या फिर आप जब घर का जो दरवाज़ा है आपका मेन डोर, आप जब उसको एंटर करो, जब दरवाजे में एंटर करो जो सबसे पहला लेफ्ट कॉर्नर है, आप पायराइट को वहाँ भी रख सकते हैं। अब वास्तु फेंग शुई सबसे बड़ा अच्छा होता है। आई ऑल्सो वॉन्ट से, काफ़ी लोग हैं जो मेरे को यार कई बार बोलते हैं कि यार तुम ऐसे अंधविश्वासी नहीं बन रहे कि तुम ऐसे हो गए, रिंग्स पहन लिए, अंगूठी पहन लिए, फिर बोलते पत्थर वत्थर से कुछ चीज़ें होता है, एंड आई ऑलवेज टेल देम कोई बात नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जब मुझे नज़र उतारे में विश्वास है, मैं कहीं भी जाता हूँ, हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र कर लेता हूँ, मैं नमो कर लेता हूँ, मैं जब प्लेन में भी बैठता हूँ, मैं हवाई जहाज में बैठता हूँ, बचकाना साउंड करेगा बट मेरी आदत है, यू नो मैं ऐसे मैं जब बैठता हूँ आई विल ऑलवेज सर्व से धरती माता मेरे को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज हवा में तो वायुदेव से मेरा इतना कनेक्शन है नहीं, राइट, ये मेरी अंदर की आस्था है जो आई फील लाइक वास्तु फेंग शुई चक्रा हीलिंग रेकी ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर किसी को इनमें विश्वास ही नहीं है मैं उनसे फिर डिबेट नहीं करता हूँ कि कोई बात नहीं, उनका बिलीफ सिस्टम है, दैट्स फाइन एंड दैट्स परफेक्टली ओके, इसमें सही और गलत नहीं। पर अगर आपको मेरे जैसे वास्तु में फेंग शुई में क्रिस्टल हीलिंग में विश्वास है, देन आई थिंक दीज थिंग्स सर्व एक्सेंचुएट अ लिटिल बिट अबाउट यू आर एक्चुअली डूइंग। तो अगर आपके पास पायराइट आया, सबसे पहले तो आप उसको स्मजिंग कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया इसको नमक के पानी में रख दिया। पायराइट को रिचार्ज करना पड़ता है बैटरीज़ की, बैटरी में तो असली बैटरी नहीं है बट यू नो कोई भी एनर्जी बैटरी, तो महीने में एक बार जहाँ भी आपको चांदनी रात मिलती मून लाइट में मैं इनको बाहर रख देता हूँ अपने विंडो के पास, वेदिकेट री एनर्जाइज वेदिकेट रिचार्ज। तो मून लाइट में अगर आपने इसको रख दिया पायराइट के, या कोई भी क्रिस्टल चार्ज हो जाते हैं, जो एक चीज़ पायराइट करता है वो ब्लॉकेजेस निकालता है ना, आप लोग काफ़ी लोगों को ऐसा होता है काम चल रहा है पर कुछ ना कुछ होते 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 लास्ट मिनट में काम बिगड़ जाता है, पैसे ऐसा लगता है आने वाले पर नहीं आते, यू नो काफ़ी ऐसे इंटरव्यूज पे जा रहे हो काम नहीं बन रहा, दैट्स सम ब्लॉकेज। अब क्रिस्टल हीलिंग के हिसाब से पायराइट मनी के लिए, अब आप बात है चक्रा हीलिंग पर, चक्रा के हिसाब से पायराइट का जो कनेक्शन आपके सोलर प्लेक्सस से होता है यानी कि मणिपुरा। नाउ मणिपुरा इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मणिपुरा का जो फंडाई है यू नो दैट होल चक्र, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लव हाउ दिस रिंग इज, यू मीन यू सी इट ऑल्सो वेन यू फोकस ऑन इट, इसके जो कट्स हैं इसके जो नग के, एंड दिस इज अ कम्प्लीटली नेचुरल स्टोन। और जो मणिपुरा चक्रा होता है वो होता ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए है, मणिपुरा गवर्न ही करता है आपका कॉन्फिडेंस मैनिफेस्टेशन, यानी कि आप जो चाहो आप वो कर पाओ। तो इस जो क्रिस्टल का जो लिंक है प्रॉस्पेरिटी से बहुत ज़्यादा है, ऐसे मैंने आई हैव गिवन दिस टू लॉट ऑफ पीपल, मेरे चाचू के साइड पे, मामू के साइड पे, एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने घर सबके घर पे जाके अपनी फैमिली को तो मैं ग्रांटेड ले सकता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप पायराइट लो, पर मैं अपनी फैमिली को, चाचू को, मामू को, अपने कजन्स को तो हक से बोलता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे घर में आके पायराइट रख रहा हूँ। मैंने खुद जाके सबके घरों पर पायराइट के छोटे छोटे पीसेस रख दिए, उनके वास्तु बोल बना दिया, नॉर्थ कॉर्नर में घर दिया, और उनसे कुछ परमिशन नहीं मांगी बिकॉज वो सब मेरे ही घर है, पर इट्स इनक्रेडिबल बिकॉज मैं हिमाचल में भी 3-4 महीने के बाद गया, माई कजन सेड यार मूवमेंट तो हुआ, कुछ गड़बड़ हो रही थी, ही स्टार्टेड न्यू थिंग, वन ऑफ माई कजन्स एक्चुअली उनका काफ़ी टाइम से बिजनेस थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, एंड ही सेड उनका पैसे उनका आने कैसे लगे, उन्होंने जब अपना बिजनेस बंद कर दिया। दैट साउंड्स फनी राइट, बट वही बात है पायराइट आई थिंक आपको क्लैरिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, उनको कॉन्फिडेंस हुआ कि ये जो बिजनेस उनके डैड ने शुरू किया था इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर हिम, ही कैन शट इट एंड मूव ऑन टू समथिंग एल्स, एंड आई थिंक दैट्स द करेज जो आपका मणिपुरा है, दैट्स व्हाट गिव्स यू। मेरे चाचू के घर पे इट्स बीन इनक्रेडिबल, वी हैड अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पर आई फील सो है। अच्छा मेरे को बड़ी खुशी होती है जब कोई बोलता है यार तुम्हारे पायराइट से इतना फर्क पड़ा है, आई थिंक मेरे को भी अच्छा कार्मा मिलता है। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो पायराइट के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अबाउट दैट। अच्छा नाउ काफ़ी क्रिस्टल्स क्लैश भी करते हैं, वन ऑफ द अदर क्रिस्टल्स विच इज़ ब्यूटीफुल इज दिस, ओके दिस इज कॉल्ड लैपिस लेजुली, ये बहुत ही क्यूट क्रिस्टल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिस्टल है, इस पर गोल्ड जैसे पायराइट में सिल्वर है, इस पर गोल्ड, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ इसको,
ये ब्लू कलर का ग्रह पर इसमें ना गोल्ड के बहुत दिख रहा है आपको, सुनहरा सुनहरा सुनहरा, इट्स सो इनक्रेडिबल। और ये पायराइट के कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बैठता है। लैपिस लजूली है, लैपिस लजूली जब पायराइट के साथ मिलता है तो यू नो बेसिकली आपके स्ट्रेंथ और कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। एंड कई बार हम झिझकते हैं बोलने से, मुझे ये करना है वो करना है ज़िंदगी में, यू नो एंड दैट आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल, कि हम क्या करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते। बट आई थिंक लैपिस लजूली आपको क्लैरिटी देता है थिंकिंग की। तो अगर आप पाइराइट रखते हैं घर पे, मैंने लैपिस के इसलिए मैंने ब्रेसलेट्स बना दिए थे बिकॉज यू नो बस ऐसे पत्थर रखना मुझे, बट यू नो व्हेन यू वेयर इट इज़ ग्रेट फॉर यू फॉर दैट रीज़न। तो लैपिस पाइराइट के साथ बहुत अच्छा काम करता है। जो दूसरे एक क्रिस्टल है जो पाइराइट के साथ बड़ा अच्छा है और इंटरेस्टिंग रीज़न के लिए, वो है ऑब्सिडियन। अच्छा ऑब्सिडियन जो क्रिस्टल है, मैंने इसके ब्रेसलेट्स बनाए, आप अगर मेरी वेबसाइट पर जाएंगे सर मफन डॉट कॉम, बट आपको सारे जितने क्रिस्टल्स मिलते हैं सर्टिफिकेशन के साथ मिलते हैं, दे ऑल सर्टिफाइड, दैट मीन्स यू नो इट्स अ नेचुरल क्रिस्टल एंड इट्स प्योर क्रिस्टल और कुछ नहीं है। ऑब्सिडियन नज़र हटाने के लिए होता है। अगर आप मुझे फॉलो करें, आपने देखा होगा मुझे आदत नहीं है, जैसे वो इंडियन मेंटालिटी थी कि भाई किसी को मत बताओ तुम कितना पैसे कमा रहे हो, सबको अपनी सक्सेस मत शेयर करो। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जहन में कहीं ना कहीं डाल दिया जाए कि तुमको नज़र लग जाएगी, कोई तुम्हारा कुछ बुरा कर लेगा, किसी की हाई लग जाएगी। मैं हमेशा ऐसा चाहता था कि मैं अपने आप को बुलेट प्रूफ बना लूँ, क्योंकि मेरा काम अपना है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं मेरी सक्सेस को देख के वो जले ना, बल्कि मेरे आसपास जो भी आए वो बोले भाई इसके साथ, मैं बंदे के साथ रहूँगा मुझे फ़ायदा ही हो जाएगा। आई थिंक ऑब्सिडियन ने और लैपिस लजूली ने कॉम्बिनेशन में मुझे वो करेज भी दिया और नज़र से हटाने भी लग गए। अब इसका कॉम्बिनेशन पायराइट के साथ इसलिए बिकॉज अगर आप जब रिच हो, सक्सेसफुल हो, आपको हमेशा आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत पैसे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। टच वुड, आई हैव ऑलवेज बीन लकी विद मनी। मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ, टेम्पल रन नहीं खेलते कि भागते भागते बंदा पैसा कलेक्ट करता है, दैट्स हाउ माई लाइफ इज बीन। मैं मेहनत करता हूँ, मैं बहुत दिमाग लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता हूँ, बट येस कम्पेयर टू हाउ मच मनी आई मेक आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड एंड थैंक गॉड फॉर दैट, द यूनिवर्स होल्ड्स मी हेल्प मी आउट। और मेरा वो पे फॉरवर्ड का सिस्टम है भी। ऑब्सिडियन आपको नज़र से बचाता है, तो अगर आपका ऑरा क्लीन रहेगा, आपको किसी की हाई नहीं लगेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी होती रहेगी। तो ये आपको प्रॉस्पेरिटी देने के लिए है, और ये आपको उसी प्रॉस्पेरिटी से आपको जब नज़र हाई लगती है उससे बचाने के लिए। तो अगर आप मेरी वेबसाइट से पायराइट के जियो पेंडेंट्स ले रहे हो, या ये नेकलेसेस ले रहे हो, या यू नो रिंग ले रहे हो, आई काइंड ऑफ रेकमेंड थिंक अबाउट इट। अच्छा मैं दूसरी चीज़ हमेशा बोलता हूँ, चार क्रिस्टल साथ में मत, एक क्रिस्टल हो, क्योंकि अगर आपने ऑब्सिडियन भी साथ में ले लिया, लैपिस भी ले लिया, आपको नहीं पता क्या करते हो आप। पहले क्रिस्टल की जर्नी शुरू कर रहे हो ना, आपको ऐसे कोई चुल्ली नहीं मचनी चाहिए कि आपको वेबसाइट पर जाकर छह चीज़ें लेनी है। आप एक चीज़ लो, जस्ट बाय वन थिंग एंड वेट फॉर 3-4 वीक्स, सब कुछ मत जाके लो, बिकॉज फिर आपको पता नहीं चलेगा क्या कैसे काम कर रहे हो। कैन दैट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और जो क्रिस्टल है जो पायराइट के साथ बड़ा अच्छा काम करता है, वो है सिट्रीन। मेरे को सूट नहीं होता, तो मेरे घर पे है ही नहीं सिट्रीन, आई डोंट कीप इट। सिट्रीन गिव्स यू एम्बिशन, इट गिव्स यू ड्राइव। सिट्रीन शेर की धार के जैसे, मुझे सिट्रीन बहुत अग्रेसिव बना रहा था, आई डेंट लाइक इट। आई लाइक क्वाइट एम्बिशन, मुझे ऐसा एम्बिशन चाहिए जहाँ मैं खुश रहूँ, मज़े करूँ, मस्ती करूँ। मुझे सक्सेस ऐसी चीज़ है, बच्चों को सक्सेस नहीं मिलती, मुझे अपनी सक्सेस वैसे इनोसेंस के साथ इन्जॉय करनी है। मेरे सक्सेस का आइडिया ये बिल्कुल नहीं है कि मैं रेस में सबसे आगे दौड़ूं, मेरा सक्सेस का आइडिया ये है कि मेरी रेस ही ना हो, मैं अकेले ही भाग रहा हूँ, अपनी सक्सेस सिर्फ मेरी है, मैं किसी को पीछे छोड़ के सक्सेसफुल नहीं बना, आई एम सक्सेसफुल ऑन माई ओन। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इफ़ यू सी माई लाइफ दैट्स हाउ आई एम। मैं इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो नहीं करता हूँ, मेरी अपनी धुन चल रही, मैं अपनी चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज किसी और ने क्या पाया क्या खोया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सिट्रीन मेरे से मैच, हमारी वाइफ भी मैच करती सिट्रीन से, वैसे काफ़ी पावरफुल स्टोन है, अगर आपको सिट्रीन मैच करता है तो प्लीज़ गेट इट। बट पायराइट के साथ सिट्रीन वैसे मेल खाता है, मेरे लिए सिट्रीन एज अ पर्सनैलिटी डजंट वर्क फॉर मी। तो पायराइट के साथ जो तीन स्टोन है अच्छे होते हैं, एक होता है लैपिस, लैपिस लजूली, एक होता है ऑब्सिडियन, ओके, और एक होता है सिट्रीन, विच आई कांट शो यू बिकॉज़ आई डोंट कीप इट एट होम। अभी हम लुधियाना के ऑफिस में थे, हमारे ऑफिस में देयर वाज हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ की जो HOD हैं सोनिया दीदी, I don't know why I saw her and she was very sweet, she was getting us all the things and हमारा ख्याल रख रहे थे, अच्छे से खाने वाला ला रहे थे हमारे लिए, very sweet। And you know मेरा जो business partner अंकुर है, I've always told him, I said हमारी company आगे जाके 500 करोड़ की हो जाएगी, 1000 करोड़ की हो जाएगी, we're already doing very well। हमारी success इस पर depend करती है कि हमारे साथ जो लोग सबसे पहले जुड़े हैं वो कितना grow करते हैं, right? सो आई गिव सोनिया दीदी रिंग, 3-4 दिन पहले की बात है, आई एम वेटिंग कि मेरे को बताएं वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आज घर पे कौन कौन है, लड़का है, हस्बैंड है, भाई है, जो भी है, यू नो, एंड टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट चेंज सॉर्ट ऑफ गोइंग। विश्वास पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैंने क्रिस्टल्स ऐसे लोगों को भी दिए जिनको क्रिस्टल पे खुद विश्वास नहीं है पर उन्हें मुझ पर विश्वास है, तो उनको लगता है भाई अगर पारस बोल रहा है बात मान लो, एंड आई कीप टेलिंग देम तुम्हें तुम्हारा अपना विश्वास मुझे आउटसोर्स कर लो, मैं बोल रहा हूँ रख लो मतलब रख लो। आई होप इफ़ यू स्टार्ट योर क्रिस्टल जर्नी कि
पाइराइट हेल्प्स यू ट्रमेंडसली, इट्स अ ब्यूटिफुल लुकिंग क्रिस्टल. मैंने ज्वेलरी इसलिए पाइराइट के साथ बनाने लगी बिकॉज मेरा मानना ये है अगर आप ऐसी चीज़ें पहने, ऑर्नामेंटियस भी अच्छे लगते हैं, दीज थिंग्स लुक रियली नाइस राइट. अगर आप कुछ पहन रहे कुछ ऐसा पहन रहे जैसे फंक्शनली कुछ तो हो ही रहा है राइट, तो पहला लेवल तो ये इवन इफ यू नॉट अ बिलीवर, हम लाइक भाई ये तो बड़ा अच्छा है, इट लुक सो ब्यूटीफुल, इट्स नाइस, इट्स ब्लिंगी, लुक सो कूल, तो फ्रॉम ज्वेलरी परस्पेक्टिव दिखता तो अच्छा है ही, बट हम लाइक भाई कुछ ऐसा पहना जो कुछ कर भी रहा है. तो मैंने रिंग्स ऐसे एडजस्ट पर बनाए बिकॉज यू नो एवरी वन कौन से फिंगर में पहनना है, इस पर पहना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक पीपल ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. इतने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि पाइराइट कहाँ पहनूँ, नेक में पहनूँ, राइट हैंड में पहनूँ, लेफ्ट हैंड में पहनूँ, कौन से फिंगर में पहनूँ, डजेंट मैटर. डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, जस्ट गेट अ पाइराइट, वेयर इट व्हाटएवर फिंगर यू लाइक. ये मेरा लैब्राडोराइट है, इसकी सिग्निफिकेंस अलग है, मैं आपको इसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा. जब आप पाइराइट अपनी ज़िंदगी में लाओ, मेरे लिए जो काम किया आई थिंक वो यूनिवर्स को भी थोड़ी सी ट्रिक करने की बात है. ये मेरी आदत बन गई, जब मैं प्लेन में भी बैठता हूँ मैं बोलता हूँ हनुमान जी प्लीज़ ऐसा करना कि हम सब सेफली पहुँच जाए. एक तो आई थिंक मेरे ईगो के लिए वो थोड़ा सेल्फिश नहीं साउंड करता, मैं हाँ मैं जगत कल्याण कर रहा हूँ, सबको मदद कर रहा हूँ. जो दूसरी बात है समवेयर यू आर ऑल्सो गेटिंग अ कलेक्टिव एनर्जी. आपके पास जो पाइराइट आएगा बोल देना, दिल सच्चे दिल से बोलना कि आई होप आप यू नो when यू गेट अ पाइराइट कि आपकी वजह से एवरी वन अराउंड यू बिकम्स अबंडेंट एंड प्रॉस्परस एंड सी द मैजिक इट डज. ओके इट्स इनक्रेडिबल. अगेन बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रिस्टल्स में विश्वास ही नहीं है, दैट्स फाइन, वी डोंट हैव टू कन्विंस एनीवन, वी डोंट हैव टू मेक एनीवन अ बिलीवर, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स ओके. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाइराइट जिंदगी में नहीं देखा पर वो बहुत सक्सेसफुल हैं. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शायद पाइराइट होगा, घर पर होगा, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम. आई होप यू आर वन ऑफ द पीपल जो अपने श्रम, हार्डवर्क, अपनी मेहनत के साथ यू ऑल्सो एड ए लिटिल बिट. जैसे हम जब एग्जाम में जाते हैं भगवान का नाम क्यों लेते हैं भाई, पढ़ाई तो हमने की है ना, पढ़ के गए हैं, भगवान का नाम इसलिए तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है. मेरे लिए वो थोड़ा सा सपोर्ट पाइराइट है. एंड द अदर थिंग आई थिंक इट्स डन फॉर मी इज ऑन वेरी पर्सनल लेवल. आई थिंक मेरी सक्सेस में मेरे को कभी ईगो इसलिए नहीं आया बिकॉज एज यू नो इज वेरी लाइक स्टॉन्च हिंदू बॉय, मैं तो पला ही बड़ा मंत्रों के साथ, चांस के साथ हर चीज़ में बाहर जाते हुए, जैसे गणेश जी का नाम निकल जाता है, हनुमान चालीसा तो मेरी चलती रहती है दिमाग में हमेशा. आई थिंक व्हेन यू एट्रीब्यूट फेलियर का भले ही आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अगर मेरी जिंदगी में उस गड़बड़ की आई विल से आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई डिड इट बैडली, मैंने गड़बड़ की इसलिए मुझे फेलियर मिला. बट सक्सेस को जब आप पाइराइट को एट्रीब्यूट कर दो, भगवान जी को एट्रीब्यूट कर दो, गणेश को एट्रीब्यूट कर दो, गणेश जी को एट्रीब्यूट कर दो, ईगो नहीं आता, अहंकार नहीं आता बिकॉज यू फील लाइक सम हायर एनर्जी इज सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग यू एट समवेयर. आपको ग्राउंडिंग देता है वो, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक एज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट, एज एन एंटरप्रेन्योर नाउ, मेरा उठना बैठना बहुत पावरफुल लोगों के साथ रहा है. और मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है असली पावरफुल लोगों से, असली पीपल हु हैव अराइव्ड इन लाइफ से, दे वेरी ग्राउंडेड. ये जो शोशा होती है ना बीच वालों की होती है जो दिखाने की कोशिश करें इतने कूल हैं, जो एक्चुअल लोग सक्सेसफुल होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, उनके आसपास के लोग यू नो आवाज़ें बनाते हैं. तो आई होप पाइराइट आपको बहुत सक्सेस भी दे और आपके कदम फिर भी ज़मीन पर रहें, दैट इज़ ट्रू सक्सेस. ओके आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश यू सो मच लक. आप पाइराइट खरीदो ना खरीदो अलग बात है, दैट्स अनदर मैटर, पर आप वेबसाइट पे जाना, बट ना मैंने और मेरी टीम ने बहुत चीज़ें लिखी हैं पाइराइट के बारे में www.starmuffin.com पर, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. ऑलराइट, गो सी, स्पेंड सम टाइम ऑन द वेबसाइट, सी व्हाट यू थिंक अबाउट इट, सी इफ इट अट्रैक्ट्स यू. दूसरी बात, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप जो वेबसाइट पे आपको 6-7 क्रिस्टल दिखेंगे, आपको कौन सा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स अ क्रिस्टल विच इज़ कॉलिंग यू. आप शायद वेबसाइट पे जो आपको शायद पाइराइट से ज़्यादा कोई और अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको शायद लैपिस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको शायद रोज क्वार्ट्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, गो विद योर इंस्टिंक्ट बिकॉज हमेशा कहा जाता है द क्रिस्टल चूजेज यू. दिस हैज़ बीन अ ह्यूज बेनिफिट इन माई लाइफ एंड आई होप इट डज अ लॉट फॉर यू. और अगेन वही बात है, हम ऐसे सेल्फलेसली बोल रहे हैं पर यू नो बोलने की कोशिश करते हैं, बट द फैक्ट इज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो बहुत होगा संभव यू से भाई पारस का वीडियो देखा था, जब उन्नति हुई अच्छा होगा. ये मतलब सस्ता भी नहीं है, आई थिंक 1400 या 1200 पता नहीं कितने की रिंग है, मेरे को प्राइसेज याद नहीं रहते, पर वही बात है एक बार खरीद ली आपको ज़िंदगी भर चलेगा उसको, आपको चाहिए. अच्छा दूसरी बात है कि आपके यू नो द क्रिस्टल इज, आई मीन फॉर एग्जांपल आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेटल, ये तो हम बना रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है राइट, इस क्रिस्टल में. कई बार हो गया आई थिंक लोगों के पास आया पाइराइट ये नग निकला हुआ ये वो, तो हम अपने ऑब्वियसली जो हमारा ज्वेलरी मेकर उसको बोलते भाई तुम ठीक कर दो, बट यू नो जब कंप्लेन आती है आई कीप सेइंग गाइस आई एम इन द बिजनेस ऑफ द क्रिस्टल, ऊपर नीचे क्या होगा कोई बात नहीं, नग आपके रखे बिकॉज आपका फोकस होना चाहिए पाइराइट पर. नाउ ऑफकोर्स हमारे क्रिस्टल्स बड़े अच्छे हैं, अभी नहीं निकलती इसको हमने फिक्स कर दिया अच्छे से, पर आई होप द पाइराइट ब्रिंग्स यू लॉट्स ऑफ लक एंड आई नो इट विल. या आई वॉज इन धर्मशाला लास्ट लास्ट ईयर, आई रिमेम्बर मैं चल के जा रहा था कहीं पे
एंड देयर वाज दिस गर्ल हु मेट मी एंड दूर से उसने ऐसे मेरे को आवाज़ दी, पारस मैं तुम्हारा पाइराइट पहन रही हूँ, एंड आई थिंक शी वाज वेयरिंग अ ब्रेसलेट ऑफ माइन जो ऐसा दिखता है. एंड ये सर उसमें बहुत चीज़ें हुई, आई रिमेंबर लुकिंग एट हर, मैं इमोशनल बड़ा बार, मैं तो ऐसे टांसू टप टप वो निकल जाता है, मेरे को आधे टाइम कूल रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है. एंड रिमेंबर आई हर्ड दैट, आई वाज जस्ट लाइक दैट इज इनक्रेडिबल. आई होप यू सेंड मी अ मैसेज ऑल्सो वेरी सून कि भाई पायराइट लिया था एंड दिस इज वॉट चेंज माई लाइफ. ऑलराइट, आई विश यू लूज ऑफ लव, आई विश यू लूज ऑफ लव. एंड जब आपको पायराइट मिलेगा, आपके जो भी भगवान जी हैं, आई एम अ फुल लॉर्ड गणेशा बिलीवर. मेरे को लॉर्ड गणेशा अच्छे लगते हैं बिकॉज इज क्यूट, मेरे को फिर शिव जी भी अच्छे लगते हैं, ही इज गॉट गुड एब्स एंड ही इज अ वेरी पावरफुल हिंदू गॉड. आई लव हिम, आई लव हिज फायर. जो भी आपके भगवान जी हैं, वट एवर अदर रिलीजन यू माइट हैव, सिट विद इट. वक्रतुंड इज ऑलवेज ग्रेट. स्टार्ट योर जर्नी विद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्यसुतर सर्वदा. स्टार्ट योर जर्नी कि आपकी बाधाएं निकल जाएं, बिकॉज एक्चुअली आपकी ग्रोथ क्यों नहीं होती, क्योंकि बाधाएं आती है. राइट, भगवान का नाम भी ले लो, क्रिस्टल भी यूज़ कर लो, मेहनत भी करो, एंड आई होप यू सी लॉट्स ऑफ सक्सेस. सारे क्रिस्टल अवेलेबल हैं startmuffin.com पर. आई कॉन्ट वेट टू सी यू सक्सेड. बिग पुच्ची, मेरे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं startmuffin.com पर.